जैसा आप शारीरिक श्रम कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अनुरूप उसके जो है भोजन आपने करना है। जैसा आप भोजन कर रहे हो उसके अनुरूप आपने शारीरिक कार्य करने हैं यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि बाबा जी समय नहीं मिलता, अंदर पकौड़ी डालने का समय है, वो तर्क देखने का टेलीविजन पे समय है और अपने जीवन को बनाने के लिए समय नहीं है। मनुष्य को चुनने का अधिकार है, यू हैव द पावर टू चूज, तो चुनो। बेकार व्यक्ति बनना है या तेजस्वी व्यक्ति बनना है? तेजस्वी बनना है तो मोल चुकाना होगा, यू विल हैव टू पिक अप द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। और अगर बढ़िया नहीं बनना देन विल गो ऑन पिकिंग द रॉन्ग थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस, और उसके बाद कहेंगे ये क्या हो गया। शिव योग इज नोइंगनेस, जो भी चीज है हम जानते समझते हुए करते हैं। हम लोग शक्ति साधक हैं, ये आपकी शुरुआत हो रही है शिव साधना से। शिव साधना आधार तैयार हो रहा है जिससे आपको मैं श्री विद्या के उच्च स्तर तक लेके जा सकूं, जिसके बाद एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां वाक सिद्धि संकल्प सिद्धि मनुष्य को मिलती है। वो साधक जो है उसी को ये सब कुछ हो जाता है। इसलिए भोजन अपना ध्यान से आप देखना, तला हुआ भोजन कम हो, रॉ खाना जितना कच्चा भोजन है वो आपकी भोजन की मात्रा अधिक हो। जो वाइट शुगर है इट्स ए वाइट पॉइजन। मेरे को जब मैं छोटा था तो 100 बरस का मुझे एक योगी मिला था जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, ये सारे सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ मुझे। वो इतना वजन उठा लेते थे एक हाथ से जो एक बड़े से बड़ा वेट लिफ्टर दोनों हाथों से नहीं उठा सकते। तो उन्होंने जो योग का मुझे ज्ञान दिया तो शिव योग का ज्ञान जो पहली शुरुआत जो हुई मुझे वहाँ से हुई। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मुझे अभी भी याद है उनकी आवाज़, कि ये जो चीनी है ये सफ़ेद जहर है, इससे दूर रहना। तो अगर आपको मीठा खाना ही है तो गुड़ खा लेना, खजूर खा लेना, बट से नो टू द वाइट शुगर, ये बड़ा ज़रूरी है। और गेहूं का रोटी धनाधन, गेहूं की रोटियां ही नहीं, चार रोटी खा बेटा, 10 रोटी खा तो तगड़ा बनेगा, नहीं बनेगा तगड़ा। बैलेंस फूड होना चाहिए, बासमती राइस, लंबा राइस, खुशबू वाला राइस पेट खराब करेगा। इसलिए कहा गया है कि अगर सही शक्ति मिलनी है तो पुअर मैंस राइस, जो गरीब का चावल होता है। गरीब का चावल कौन सा? जिस पे पॉलिश नहीं हुई, जो पॉलिश नहीं हुआ, जो बेसिक जो चावल होता है जो इकट्ठा हो जाता है, आप उसको खा के देखना। और जरा ये लंबे लंबे ब्रांड ये खा के देखना, आप देखोगे वो जो अनपॉलिश्ड राइस है वो खाने से आपको बहुत आराम आएगा, और जो लंबे राइस आप खा रहे हैं महंगा वाला उसके बाद आपको अच्छा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। इसलिए एक सिंप्लिसिटी लेकर के आओ अपने भोजन के अंदर।